गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं मनीष सिंह एंड आप लोग देख रहे हो सिंह फिटनेस एरा। तो गाइस, आज मैं फिटनेस इंडस्ट्री से आ चुका हूँ अपडेट लेकर। तो आज सबसे पहला और सबसे बड़ा जो अपडेट है वो है जेरमी बुंडिया की तरफ से। गाइस, तो रिसेंटली गाइस उन्होंने अपना एक फिजिक अपडेट शेयर करा। कंप्लीट नहीं बोल सकता हूँ, बट एक राउंडनेस बॉडी में दिख रहा। एंड वैसा कैप्शन में लिखा था, 3 वीक्स इंटू माई प्रेप, मतलब वो 3 वीक्स ऑलरेडी प्रेप का स्टार्ट कर चुके हैं। और उनका कहना है कि उनको जो चेंजेस दिख रहा वो उनको पता चल रहा है उनका, क्योंकि वो अपने बॉडी के बारे में जानते हैं किस तरीके से उनका बॉडी कैसे रिस्पोंड कर रहा। उनका कहना है कि वो ऑन पॉइंट चल रहे। देखो गाइस, आप लोग जानते होंगे जर्मन मुंडिया, आई थिंक नोट आई थिंक आप सभी लोग जानते होंगे, 4 टाइम चैंप्स हैं ओलंपिया का, और सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने वाले ये मेंस फिजिक के एथलीट्स हैं। तो ये इस बार जो लड़ रहे हैं वे 5th टाइटल के लड़ रहे हैं। और जैसा कि जानते हैं, इनके जो सामने वाले एथलीट्स हैं वो हैं इरिन बैंक्स। तो जो कंडीशन है, मिस लाइक जो टक्कर होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। देखो बॉडी में जैसे राउंडनेस दिख रहा कहीं ना कहीं, तो साइज भी देखेंगे कि इनका जो वीक पॉइंट है उस पर किस तरीके से ओब्लिक सेक्शन मिड सेक्शन पर वर्क करके आएंगे। तो ओवरऑल कंडीशन ऑन स्टेज पर चलेगा। बाय द वे, इस फिजिक को देखकर आप लोग क्या सोचते हो कि इस बार इरिन बैंक्स ब्रेंडन हेड्रिक्सन को ये बीट कर सकते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है आपका मनोज पाटिल की तरफ से। गाइस, तो देख सकते हो मनोज पाटिल ने फाइनली अपना एक फिजिक अपडेट शेयर करा गाइस। एंड देख सकते हो इसमें रियली बताऊं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कम बैक कर रहे हैं उस अनुसार बोलूं तो बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं, क्योंकि आप शोल्डर में राउंडनेस देख सकते हो मनोज पाटिल का। एंड उससे बड़ी बात है ना, इनका बॉडी इस बार अभी से ही हार्ड दिख रहा है। मीन्स लाइक लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि इनका बॉडी कहीं ना कहीं टाइटनेस जो होना चाहिए, हार्डनेस, वो लुक नहीं आया था। मीन्स लाइक कंडीशनिंग अच्छे तरीके से हिट नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी आप लोग देख सकते हो बिल्कुल ऑन पॉइंट लग रहा। शोल्डर में राउंडनेस, फाइबर भी कहीं ना कहीं दिख रहा, वेंस बिल्कुल पॉप अप कर रहे, मिड सेक्शन भी अच्छा विजिबल, अच्छा बढ़िया लग रहा है गाइस। तो क्या आप लोग को लगता है भुवन चौहान बिलाल अली को मनोज पाटिल टक्कर दे पाएंगे या फिर नहीं? व्हाटएवर जो भी सोचते हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है अतेंद्र सिंह की तरफ से। गाइस, तो रिसेंटली अतेंद्र सिंह ने अपना एक फिजिक अपडेट मीन्स लाइक वर्कआउट करते हुए दिखे। एंड आप लोग देख सकते हो आर्म्स का साइज, रियली बताऊँ तो मतलब बिलीव नहीं करोगे, बहुत ही ज़्यादा मतलब ह्यूज साइज लग रहा। एंड इस कंडीशन को देखकर आप लोग को क्या लगता है कि इनको वन मोस्ट टाइम कॉम्पीट करना चाहिए? क्योंकि अभी जैसा कि इन्होंने फाइनली रिटायरमेंट का कोई अनाउंसमेंट नहीं करा, तो एक फेयरवेल गेम होना चाहिए अतेंद्र सिंह के लिए। कंडीशनिंग बिल्कुल बहुत टॉप नोच लेवल कर ऑन स्टेज आते हैं लास्ट टाइम, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या इनको एक फेयरवेल गेम खेलना चाहिए, उसके बाद रिटायरमेंट लेना चाहिए या फिर अभी ही ले लेना चाहिए। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है निक बॉकर की तरफ से। गाइस, तो रिसेंटली आज उन्होंने अपना एक अपडेट शेयर करा। एंड गाइस, आप लोग देख सकते हो ये इनका करंट कंडीशन है। जो कंडीशनिंग की बात करें गाइस, तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये ऑफ सीजन लाइक बल्किंग ऑफ सीजन कर रहे, ये ऑन पॉइंट बिल्कुल दिख रहे हैं। एंड आप लोग देख सकते हो एब्स भी अच्छा खासा विजिबल दिख रहा, शोल्डर में एक राउंडनेस वैली भी दिख रहा, और देख सकते हो सेरेशन चेस्ट में कहीं ना कहीं अच्छा दिख रहा। तो ओवरऑल तो कंडीशन अपर बॉडी बहुत बढ़िया, लेकिन हम लोग को देखना होगा इस बार जिस तरीके से इनका अपर बॉडी और लोअर बॉडी में कहीं ना कहीं मैच नहीं हो पाता है, लोअर बॉडी कहीं ना कहीं वीक पड़ जाता है, तो क्या इस पे वर्क करके आएंगे, कितना बढ़िया करके आएंगे? वैसे मैं बताऊं तो अभी तो लेग में अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है गाइस, कहीं ना कहीं साइज थोड़ा बहुत ज़रूर पुट ऑन इन्होंने करा है। तो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि इस बार क्या निक बॉकर किस तरीके से परफॉर्मेंस निकाल कर देंगे ऑन स्टेज। वैसे मैं बताऊं ये कैसे एथलीट्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली वर्क करते गाइस। तो आप लोग कमेंट कर बताना इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है जीजो जॉन की तरफ से। गाइस, तो रिसेंटली देख सकते हो जीजो जॉन बैक का वर्कआउट करते हुए देखे। एंड बैक देख सकते हो गाइस, मतलब देखो कंडीशनिंग बोलूँगा, एक जो बैक में थिकनेस होता है एमेच्योर एथलीट्स का, वो कहीं ना कहीं इस बार अच्छा जीजो जॉन का दिख रहा, क्योंकि इस बार इन्होंने अपने फ्रेम में गुड क्वालिटी मसल मास पुट ऑन करा, और उसके साथ साथ एक अच्छा जो राउंडनेस इनके मतलब बॉडी में इस बार दिख रहा ना, वो अलग ही निखर कर आ रहा। तो ऑन स्टेज और भी अच्छे तरीके से पता चलेगा। इस शोल्डर में देख सकते हो वैसे अभी से ही फाइबर बिल्कुल ऑन पॉइंट लग रहा। तो इस बार जो प्रो कार्ड के लिए टक्कर होने वाला अभिषेक यादव वर्सेज सुनराम सन्नी फिजिक वर्सेज जीजो जॉन, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन से एथलीट्स इस बार का प्रो कार्ड जीतने वाले हैं। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है नितिन चंडीला की तरफ से। गाइस, तो नितिन चंडीला ने फाइनली अपना एक फिजिक अपडेट शेयर करा है। गाइस, आप लोग देख सकते हो ये इनका करंट फिजिक अपडेट है। फिजिक की बात करें गाइस, तो देखो बहुत कम टाइम इनके पास है, लेकिन हाँ जैसा कि आप लोग जानते होंगे एक अच्छा ये मसल मास मोन्स्टर बोल सकते हैं, और उसके साथ साथ एक अच्छा गुड क्वालिटी मसल मास कैरी करते हैं अपने फ्रेम में। आर्म्स का साइज तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मिड सेक्शन पे कहीं ना कहीं इनको और वर्क करना पड़ेगा, और
कहीं ना कहीं मैं इनसे चाहता हूँ कि इनका बॉडी ना इस बार के कंपटीशन में हार्ड, बिल्कुल हार्ड लुक लेकर आए। एंड यदि हार्ड लुक लेकर आएंगे वो स्टेज, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आप लोग जानते होंगे कि इन अपकमिंग टाइम कहीं ना कहीं ये भी प्रो कार्ड के लिए खेलेंगे और स्विच करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है गुरुजी मुकेश गहलोत की तरफ से, तो उन्होंने आप लोग के लिए कुछ टिप्स शेयर करा, तो आप इस वीडियो को देखना। गुरुजी के बारे में आप लोग क्या सोचते हो आप लोग कमेंट करके तो बता ही सकते हो। फैट लॉस के टाइम पे हम 4-6 रैप बढ़ा देते हैं, रेपिटेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ताकि आप कंपैरेटिवली थोड़े कम लोड पे ट्रेनिंग कर पाएँ। अब कई एथलीट्स को ये मिथ हो जाता है कि ज़्यादा रैप कटिंग के लिए है और कम रैप गेनिंग के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रैप बढ़ाने के पीछे वो मोटिव कुछ और है। रीज़न ये है कि एक तो आप लो कैलोरी डाइट पे, डेफिसिट कैलोरीज पे, तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल भी लो है। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करने के लिए हम फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए, तो अभी थोड़ा सा लो एनर्जी है आप। और चलो उसको भी आप काउंटर कर सकते हैं, आप मेंटली टफ होते हैं सारे स्पोर्ट्समैन। लेकिन दूसरा रीज़न ये है कि इस टाइम पे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में बिल्कुल कम है, मसल डिप्लीट रहता है, उसके अंदर ग्लाइकोजन लेवल भी लो है, और वो ग्लाइकोजन लो होने की वजह से मसल वाटर होल्ड भी कम करता है। और मसल जितना डिहाइड्रेट रहेगा, पानी कम पकड़ेगा, उतना ही इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस टाइम पे आप बहुत हैवी इंटेंसिटी के साथ ट्रेनिंग करेंगे तो थोड़ा सा इंजर्ड होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इसलिए हम रेपिटेशन बढ़ा देते हैं 4-6 रैप, ताकि लोड थोड़ा सा कम हो जाए। दूसरा, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करेंगे आप, आपको रेस्ट टाइम ज़्यादा रखना पड़ेगा, ट्रेनिंग सेशन आपका लंबा हो जाएगा, और पहले ही आप लैक ऑफ एनर्जी है, डेफिसिट कैलोरीज में हैं, ज़्यादा लंबा सेशन मतलब आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाएगी, ये अपने मसल को ही खाना शुरू कर देगी। कम लोड पे ट्रेनिंग करने का फ़ायदा ये मिलता है कि कम रेस्ट में ट्रेनिंग कर पाते हैं आप, फटाफट आधा मिनट एक मिनट के रेस्ट पे अपने सेट्स ले पाते हैं, तो आपका ट्रेनिंग सेशन थोड़ा छोटा हो जाता है, आपका मसल सेफ रहता है। तो वो बिगिनर्स को थोड़ा सा ये रहता है कि रेपिटेशन बढ़ाने का मतलब। तो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड जब वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइज। इसी प्रकार के आपको फिटनेस का सारा अपडेट रिलेटेड जितने भी फिटनेस इंडस्ट्री का आपको हमारे चैनल सिंक फिटनेस रैप पे मिलता रहेगा। तो मिलते हैं आपको गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।